जो है हम अपनी कंपनी को ओपन करेंगे। देखिए कंपनी मैं बना ले रहा हूं और एक ही वीडियो में सारे टैक्सेस का कैलकुलेशन, ठीक है, और एक ही वीडियो में परचेज सेल्स का कैलकुलेशन, खाता अकाउंट बनाना, अकाउंट खोलना, बैंक अकाउंट खोलना, ये सारी बातें एक ही वीडियो में हो जाएंगी। तो सारा सोल्यूशन एक वीडियो में होने वाला है। तो अल्ट के साथ F3 प्रेस कीजिए और यहां से आ जाइए क्रिएट कंपनी पर। एक नई कंपनी हम बनाएंगे और इस कंपनी का नाम है द ब्रेन गेम। ये कंपनी हमारी द ब्रेन गेम के नाम से, और एंटर प्रेस किया, यहां पर एड्रेस आ जाएगा, कंपनी कहां की है उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है होलसेलर पार्टी है, ठीक है, ये जो द ब्रेन गेम है ना, ये होलसेलर है। कैसे पहचान होगा कि ये होलसेलर है? देखिए इनसे हम माल खरीदेंगे और ले जाकर के हम मार्केट में जो बेचेंगे, तो यहां से हम बेचेंगे। तो यहां पर एक मैं यहां पर लिख भी देता हूं, होल सेलर, ठीक है। एंटर प्रेस किया और यहां पर एड्रेस, तो एड्रेस जैसा कि देख रहे हैं हम लोग डाल रहे हैं। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहां पर स्टेट आ जाएगा यू, उत्तर प्रदेश। एंटर प्रेस किया और यहां पर पिन कोड आ जाएगा। तो ये होलसेलर कंपनी है जहां से कि हम माल खरीदने वाले हैं, ठीक है। और ये जो पुरानी कंपनी है इसको हम बंद कर देते हैं। यहां से एच प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। सिर्फ एच प्रेस कर दीजिए और इस कंपनी को बंद कर देते हैं। तो ये होलसेलर पार्टी वाली कंपनी है, यानी होलसेलर, यहां से हम सामान खरीदेंगे, ठीक है। तो होलसेलर कंपनी में हमें कैसे एंट्री करनी है, दोनों ही चीजें मैं दिखाने वाला हूं। तो अभी एक दूसरी कंपनी भी हमें क्रिएट करनी है, ठीक है, जो कि हमारी कंपनी होगी। तो सी प्रेस करता हूं एक और कंपनी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे स्टूडेंट सूरज यादव। तो सूरज यादव स्टोर, इसी नाम से मैं कंपनी बना लेता हूं, ठीक है। एंटर प्रेस किया और यहां पर एड्रेस इनका जो भी हो, मैं न्यू कॉलोनी ही रख देता हूं एड्रेस, आपका जहां का भी एड्रेस हो वो आप डाल सकते हैं। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहां पर इंडिया आ जाएगा, यहां पर स्टेट आएगा यू, उत्तर प्रदेश। अगर आप चाहे तो डिफरेंट स्टेट भी रख सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और इसको आप यहां से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये कर लिया हमने एक्सेप्ट। अब हमारे पास दो कंपनियां हो चुकी हैं, पहली कंपनी द ब्रेन गेम होलसेलर के नाम से और सूरज यादव ये जो लोकल सप्लायर हैं इनका है, ठीक है। यहां से बाहर आ जाते हैं। अब हमें पहली एंट्री करनी है, ठीक है। तो यहां से इनके भी पास कहीं से माल आएगा कि नहीं आएगा? द ब्रेन गेम जो होलसेलर हैं कहीं से तो ये माल लेंगे। तो इनके पास जब माल आएगा, ये जब माल परचेस करेंगे तो कैसे एंट्री करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम कहां चलेंगे, रिसिप्ट वाउचर में आएंगे। इनके पास कुछ पैसे होने चाहिए माल खरीदने के लिए, तो पैसे हो इसके लिए कंपनी में पैसे लगाने होंगे, ठीक है। कंपनी में पैसा लगाएंगे तभी तो वहां से आप कुछ सामान खरीदेंगे। तो यहां पर अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहां पर कैपिटल अकाउंट का लेजर बना लीजिए। एक बात याद रखिएगा, कॉमर्स में कभी भी कैपिटल बोला जाता है जो पूंजी निवेश की जाती है, जिसके सहारे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। एंटर प्रेस किया, ठीक है, एंटर प्रेस किया और यहां पर एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराता हूं। ये एक्सेप्ट हो गया और यहां पर कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट कर देता हूं मैं। एंटर प्रेस किया, अब यहां पर कैश आएगा, कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जीएसटी भी इनेबल कर दिया जाए, ताकि जीएसटी के सारे लेजर्स भी हम क्रिएट कर लें और उसको भी हम देख लें। तो यहां से आपको प्रेस करना है F11 की और यहां से आ जाना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे। आ गए यहां पर द ब्रेन गेम, हमारी जो कंपनी है वो द ब्रेन गेम होलसेलर है। यहां पे एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर वाई प्रेस करेंगे, ठीक है, और यहां से रेगुलर रखेंगे इसको, और यहां पर जीएसटीआईएन नंबर जो आपका है वो डाल दीजिए। एंटर प्रेस किया, इसको वेरीफाई करेगा टैली, 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। मंथली जीएसटी फाइल करेंगे, ईवे बिल को अभी नो रखता हूं, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और यहां पे जीएसटी रेट की डिटेल को अल्टर करता हूं, ठीक है। यहां पे आइटम्स लिख देता हूं मैं और यहां पर एचएसएन कोड और एसएससी कोड का डिटेल है तो वो डाल देता हूं, और यहां पर आइटम्स मैंने किया था, ठीक तो है। यहां पे आइटम्स, ओके, और यहां पर जो भी एचएसएन कोड या एसएससी कोड है वो डाल दीजिए। यहां पर टैक्सेबल रखना है आपको, टैक्सेबल नहीं रखते हैं तो टैक्स कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। अब इसके बाद यहां पर टैक्स रेट रखना है आपको, ठीक है।
टैक्स रेट कैसे रखना है वो बता देता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 0%, 5%, 12%, 18% या 28% का ही जीएसटी लगता है, इन्हीं में से कोई एक, ठीक है। हालांकि समझाने के लिए मैं कभी कभी कुछ और भी दे देता हूं, लेकिन जीएसटी तो इसी रेट पे लगेगा। तो इस बार हम क्या करते हैं, 18% पर जीएसटी लगाते हैं। तो ये 18 लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया और यहां पर एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लिया, और यहां पर भी इसको पूरा एक्सेप्ट करा लेंगे हम, ये एक्सेप्ट करा लिया, तो जीएसटी इसमें इनेबल हो गया, ठीक है। अब बाहर आते हैं, यहां से हमें चलना है परचेज वाउचर में। तो चलिए परचेज वाउचर में यहां से हम क्लिक करके जा सकते हैं, या माउस से क्लिक कर सकते हैं, या फंक्शन बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो अभी यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर देना है, तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहां पर हम दे देते हैं 700, ठीक है। अब यहां से एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर सिर्फ आपको कैश दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहां पर हमें पार्टी का नेम देना होगा, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूं। पार्टी का नेम क्या देंगे, कैसे देंगे, देख लेते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं पुनीत, ठीक है। समझने के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं क्रेडिटर, चूंकि ये क्रेडिटर पार्टी होगी तो इसे मैं क्रेडिटर लिख देता हूं, ठीक है, पुनीत क्रेडिटर। और परचेस वाउचर में तो यहां क्रेडिटर पार्टी का लेजर भी आएगा। एस प्रेस किया, सन्ड्री क्रेडिटर यहां आएगा, एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस रखेंगे, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, और यहां से इसको अब एक्सेप्ट करा लेंगे। ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, अच्छा इनका एड्रेस यहां पर डाल देंगे, जो भी एड्रेस है इनका, क्या, और अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। यहां पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर, तो यहां परचेज अकाउंट कर देते हैं, कर दिया, एंटर प्रेस किया। यहां पे पी प्रेस करेंगे, परचेज अकाउंट शो हो जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट नहीं देते हैं, यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, और यहां गुड्स रख देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और यहां पर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहां पर हमें आइटम्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो चलिए आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं, और साथ सी प्रेस कीजिए। यहां पर आइटम्स बनाएंगे हम, स्टॉक आइटम बनाएंगे, ठीक है, बुक ऑफ टैली ईआरपी 9, ये दे दिया हमने, एंटर प्रेस किया। इसको प्राइमरी में ही रखते हैं, और यहां पे यूनिट्स बना लेते हैं। यूनिट्स बनाने के लिए यहां पर आइटम ही कर देते हैं आईटीएम, ठीक है, और यहां पर फॉर्मल नेम आईटीईएम मैं दे देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, और यहां पर पीस पैकेट जो भी हो तो यहां पे देते हैं, और एंटर प्रेस करके आप इसको यहां से, अगर आप चाहते हैं हर एक आइटम पर अलग अलग जीएसटी लगाना तो यहां से दे सकते हैं, फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट कराता हूं। यहां पे क्वांटिटी आएगी बुक की, जैसे मान लीजिए 100 बुक्स हम परचेस कर रहे हैं और एक की कीमत पड़ रही है 780 रुपए, तो इसके हिसाब से यहां टोटल आ जाएगा। डिस्काउंट फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूं। फिर यहां पर अगला जो स्टॉक आइटम है वो हम खरीद रहे हैं, पाइथन की बुक, तो यहां पाइथन लिखता हूं, पाइथन बुक, ओके, और एंटर प्रेस करता हूं। यहां पर आइटम ही कर देता हूं, यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, गुड्स, और एंटर प्रेस करके, और यहां पर 120 बुक्स जो है पाइथन की खरीद रहे हैं, और एक बुक की कीमत पड़ रही है 1200 रुपए, तो यहाँ पे 1200 लिख दिया हमने। के साथ सी करके लेजर हमें क्रिएट करना है, तो अब किस चीज का लेजर क्रिएट करेंगे, नेटवर्किंग की बुक है तो यहाँ लिखता हूँ नेटवर्किंग, ठीक है, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर आइटम रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा नेटवर्किंग का बुक का डिटेल, तो यहाँ पर 130 बुक नेटवर्किंग की है, और यहां से 700 रुपए की एक बुक, तो उसके हिसाब से यहां पे आ जाएगा। इस बार हम डिस्काउंट दे रहे हैं 0.25% का, तो ये आ गया। अब यहां पर सी शार्प की बुक है .net, तो यहां पे लिख देता हूं मैं .net, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, Alt के साथ C प्रेस करेंगे, और यहाँ पे .net बना लेते हैं, .net, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आइटम ही रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर .net की 10 बुक्स हैं, और इन 10 बुक्स में से एक की कीमत है 1100 रुपये, तो इसके हिसाब से ये आ गया, और इस पे जो डिस्काउंट है वो 0.10% का डिस्काउंट है, तो इसके हिसाब से ये आ गया, ठीक है।
सब पे डिस्काउंट लगा दिया हमने। यहां पर अब ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं, एडवांस एक्सेल बना लेते हैं। एडवांस एक्सेल यानी एक्सेल की बुक है ये, और यहां पर आइटम रखेंगे। अगर इस पे अलग से जीएसटी देना चाहे तो यहां पे वाई प्रेस करके और यहां पर एक्सेल की बुक पर अलग से हम जीएसटी लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पे जो भी इसका एचएसएन कोड होगा वो दे सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे और यहां ऑन वैल्यू रखेंगे, यहां पर टैक्सेबल रहेगा, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर क्या होगा, यहां पर हमें 5% 0% 5% 12% 18% या 28% में से कोई एक टैक्स चूज करना है, तो यहां पे 5% का टैक्स हम चूज करते हैं, 2.5% के हिसाब से ये डिवाइड हो जाएगा। और यहां गुड्स रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहां पर कितनी बुक्स हैं, 40 बुक हैं एडवांस एक्सेल की, एक बुक की कीमत है ₹400, तो 40 बुक की यहां कीमत आ जाएगी और इस पे डिस्काउंट जो है 0.10% का डिस्काउंट इस पे भी है, तो ये हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट बुक है उसको हम ले लेंगे। ठीक है, यहां पर लिब्रा कैल्क की बुक है, लिब्रा कैल्क, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर आइटम, ठीक है, यहां पर अगर अलग से टैक्स रेट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, फिलहाल मैं वही टैक्स रेट रखता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और यहां पर 56 बुक्स हैं और एक बुक की कीमत है ₹800 और यहां पर डिस्काउंट दे देता हूं 0.20% का, तो इसके हिसाब से ये आ गया। इतनी सारी बुक्स हमने परचेस कर ली। ठीक है, इसमें एक बुक हम और भी परचेस करेंगे C++ की, तो यहां लिखता हूं C++, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर आइटम ही रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एप्लीकेबल रहेगा जीएसटी, अलग से जीएसटी रेट देना है तो यहां कर देता हूं C++, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, और इसका जो एचएसएन कोड होगा वो डाल दीजिएगा आप और यहां पर टैक्सेबल रख दीजिए। टैक्सेबल रखने के बाद एंटर प्रेस करिए, यहां पर जो भी टैक्स रेट है आपका वो टैक्स रेट डाल दीजिए, इसे 12% मैंने दे दिया है, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, इसको एक्सेप्ट कराता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। अब यहां पर ₹1,050 के हिसाब से ये हो गया और 0.30% का डिस्काउंट इस पे लग गया। ठीक है, तो ये हमने बुक्स जो है खरीद ली है। ठीक है, अब यहां पर हमको जीएसटी लगाना है, तो लोकल स्टेट का मामला है तो सबसे पहले और एंटर प्रेस करेंगे तो यहां एंड लिस्ट आ जाएगा, तो यहां पर हमें वो लेजर्स लगाने हैं। सबसे पहले सीजीएसटी बना लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये रहा, एंटर प्रेस कीजिए और ये हो जाएगा जीएसटी, एंटर प्रेस कीजिए, सेंट्रल टैक्स हो जाएगा, एंटर प्रेस कीजिए और इसको नॉर्मल राउंडिंग रख देते हैं हम, एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर राउंडिंग लिमिट 2 या 3 कर सकते हैं आप, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं, ये देखिए जीएसटी आ गया। ठीक है, अब एसजीएसटी कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे जीएसटी रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्टेट टैक्स आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे और यहाँ पे 3 रख देता हूँ मैं, एंटर प्रेस करके और इसको भी एक्सेप्ट कराता हूँ, तो यहाँ देखिए दोनों बराबर अमाउंट में ₹1 का डिफरेंस बस आ रहा है, तो वो डिफरेंस जो है राउंडिंग के चलते आ रहा है, किसी में 2 राउंडिंग दिया, किसी में 3 राउंडिंग दिया, जिसके चलते ये डिफरेंस आ रहा है, तो डोंट बी वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो अब यहां पर अब इसको हमें एक्सेप्ट करवाना है। ठीक है, ये न्यू रेफरेंस हो जाएगा, ये न्यू रेफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन थी। जब आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो उस समय आप न्यू रेफरेंस देंगे, जब उसका पेमेंट करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, एंटरप्रेस किया और यहां पर नरेशन डाल सकते हैं, फिलहाल छोड़ देता हूं, एंटरप्रेस करता हूं, ये हमारी एंट्री हो गई परचेज की। ठीक है, अब इसका पेमेंट करने की बारी हमारी है। पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट करने के लिए आपको कहां जाना है, जब भी परचेज में आएंगे तो पेमेंट हम किसको करेंगे, पार्टी को करेंगे, जिस पार्टी से आप माल खरीद रहे हो। ठीक है, ये द ब्रेन गेम होलसेलर, ये भी एक पार्टी है, होलसेलर पार्टी है, ये भी तो कहीं से माल खरीदती होगी, तो जहां से भी माल खरीदती है ये उनको पेमेंट करेगी। ठीक है, ये अपने यहां क्या एंट्री करेंगे वो दिखा रहा हूं। इसके बाद जब ये बेचेंगे सूरज यादव स्टोर को तो वो क्या एंट्री करेंगे और फिर ये अपने यहां क्या एंट्री करेंगे वो भी दिखाऊंगा, दोनों चीज दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर पेमेंट ये कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको आ जाना है पेमेंट वाउचर में, कीबोर्ड से ये फंक्शन बटन F5 प्रेस कीजिए, आ जाएंगे पेमेंट वाउचर में। यहां पर डेबिट क्रेडिट आ रहा है किसको, हम यहां पर डेबिट करेंगे, ये जो पुनीत क्रेडिटर हैं इन्होंने ही सारा सामान खरीदा है, तो यहां पर देख सकते हैं 7,78,918 रुपए 90 पैसे, तो
90 पैसे यहाँ शो हो रहे हैं, तो एंटरप्रेस करेंगे तो ये अगेंस्ट रेफरेंस अपने आप आ जाएगा। एंटरप्रेस करेंगे 700 नंबर का पेंडिंग बिल शो हो रहा है, तो इसको पेमेंट करने की बारी, तो यहां से ये बिल हम अब पेमेंट करेंगे। तो ये हमने पेमेंट किया, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, ये देख लीजिए। तो हम यहां पर कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कर दिया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, ये पेमेंट हो गया पूरा। अब अगर आप दोबारा से पुनीत क्रेडिटर से पेमेंट लेना चाहेंगे तो इन पर बैलेंस नहीं शो करेगा, देखिए जीरो बैलेंस हो गया इनका, ठीक है। बाहर आ जाइए, बाहर आने के बाद यहां पर आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। पेमेंट तो हो गया, ठीक है, यहां पर कुछ हम बैंक खाते भी बना लेते हैं। तो बैंक खाते बनाने के लिए कहां जाने होंगे, हमें जाना होगा कंट्रा वाउचर में, अपने ही बैंक से अपने ही बैंक में ट्रांजेक्शन करने के लिए कंट्रा वाउचर यूज होता है, ठीक है। यहां पर ये डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में शो कर रहा है, चाहे तो हम इसको सिंगल एंट्री मोड में लेकर बहुत ही आसानी के साथ काम कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। तो F12 की प्रेस कीजिए, यहां से सिंगल एंट्री मोड डिसेबल है, इसको इनेबल कर लीजिए, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। अब यहां पर ये देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है, तो जिसमें भी पैसा इन होगा वो यहां पर आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेजर बनाएंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, हमारा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो यहां पे लिख देता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एंटरप्रेस किया। अब ये कहां जाएगा, ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट, तो ये बैंक अकाउंट कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया। देखिए ये यहां पर अकाउंट होल्डर का नेम अपने आप आ गया है, देख सकते हैं, यहां पर चाहे तो अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं, ये डमी अकाउंट नंबर मैं डाल रहा हूं, एंटरप्रेस किया, ये अकाउंट नंबर भी ले लिया। यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल सकते हैं, जो भी आईएफएससी कोड हो, और यहाँ पर बैंक का नेम आ जाएगा, और यहाँ पर एंटरप्रेस करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। चेक बुक अगर इश्यू हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पे वाई प्रेस कीजिए, चेक नंबर कितने से स्टार्ट हुआ है, तो एक यहाँ पर देख सकते हैं, यहां से मैंने स्टार्ट किया है 101,00,000, ठीक है, और कहां तक है ये 7 चेक इश्यू हो जाएंगे, ठीक है। चेकबुक पे नाम क्या प्रिंट होगा, प्रिंट करना चाहते हैं हम, तो ये एंटर कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट होता रहे तो ये भी एक विंडो ओपन हो जाएगी, कैसे कैसे क्या क्या चीजें प्रिंट करेंगे, कितना कितना गैपिंग रहेगा, क्या चीज रहेगी, वो सारी चीजें यहां पर आप डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको हटाता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, ये एड्रेस यहां का डाल देंगे, ये हमने कर लिया। तो यहां पे देखिए स्टेट बैंक में पैसा इन हो रहा है, ठीक है, और यहां पे सी प्रेस करता हूं, क्या इन हो रहा है, कैश इन हो रहा है, कितना कैश इन हो रहा है, 1,00,000 रुपए इन हो रहा है, ठीक है, ये एंटर प्रेस किया, और यहां पर देखिए ये हो गया। अब ये कैश की डिटेल डालनी होगी, क्योंकि कैश हम जमा कर रहे हैं अपने खाते में, ठीक है, तो यहां पे 2,050 नोट, 1,00,000 रुपए हो गया, एंटरप्रेस करेंगे, और यहाँ पे आप एक्सेप्ट करा लिया हमारे, हमने तो ये हमारा SBI में बैंक अकाउंट भी खुल गया। अब हम चाहे तो चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, अगर किसी को पेमेंट करना हो तो, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का अगर पेमेंट आपको करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे आपने दुकान खोल रखी है तो इलेक्ट्रिक का बिल भी तो आता होगा, उसका पेमेंट भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें आना होगा पेमेंट वाउचर में, और यहां पर पेमेंट वाउचर में आने के बाद इसे डबल एंट्री मोड पे लेना होगा, F12 की प्रेस करके, और यहां पर इसको एन कर दीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, तो ये डेबिट क्रेडिट फॉर्म में आ जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक हमें बनाना होगा, तो यहां पर लिखता हूं इलेक्ट्री, ये किसमें जाएगा, ये जो है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसे डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, कोई डिस्काउंट नहीं, ठीक है, और गुड्स नहीं रहेगा जी, एंटर प्रेस करेंगे, और यहां पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया हुआ है उसके हिसाब से यहां पे आप दे सकते हैं, ठीक है, 4,000 रुपये बिल आया, तो 4,000 रुपये आपने पेमेंट किया, यहां पे CR लिख दीजिए, क्रेडिट हो जाएगा जी। अब यहाँ पर कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, कैसे पेमेंट कर रहे हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
कितना रुपया पेमेंट कर रहे हैं आप, 4000 रुपये मात्र पेमेंट करना है, तो बैंक से हम 4000 रुपये पेमेंट कर दे रहे हैं चेक से, ठीक है। चेक नंबर देखिए यहाँ पे आ गया है, एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा पेमेंट हो गया बिल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की भी एंट्री हमने कर दी, उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ रही होगी। ये हो गई होलसेलर वाली बात, ठीक है। अब यहाँ पे सूरज यादव स्टोर है, अब इनके यहाँ की बात हम करने वाले हैं। खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे, सबसे पहले इनके पास रिसिप्ट वाउचर में जाकर के पैसा हम रिसीव कराएंगे, जो भी पैसा होगा ये अपनी कंपनी में रिसीव करेंगे। रिसिप्ट वाउचर में जब भी पैसा रिसीव कराते हैं तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट बोल दिया हमने। यहाँ पे सी प्रेस करेंगे कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, अंडर कैपिटल अकाउंट डाल देंगे इसको, एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, कितना रुपया है जितना भी रुपया हो यहाँ पे डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर डेबिट कैश, ठीक है। अगर आप बैंक से कोई चीज परचेज कर रहे हो या कुछ, यहाँ पे कैसे रखते हैं, ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं, ये हो गया। अब वापस चलेंगे कहाँ, परचेज वाउचर में, ठीक है। तो होलसेलर पार्टी ने कैसे एंट्री किया अपने यहाँ वो देख चुके हैं आप। अब ये जो सूरज यादव स्टोर है ये कैसे एंट्री करेंगे, कैसे कैसे परचेज करेंगे, यहाँ पर 901 नंबर का इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया, खरीदारी इसी डेट पे हो रही है। सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी का लेजर, सन्ड्री डेटर पार्टी का लेजर यहां पर बनेगा, तो यहां पर डेटर पार्टियों का लेजर बनेगा क्योंकि हम इस समय कौन से वाउचर में है, परचेज वाउचर में है, तो यहां पर डेटर पार्टियों का लेजर और क्रेडिटर पार्टियों का लेजर दोनों लेजर हम बनाएंगे। यहां पर क्रेडिटर पार्टी का नाम डाल देते हैं, ठीक है, ये हम इसे सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे। तो ये हो गया हमारा क्रेडिटर पार्टी आ गया, यहां पे एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो ये हो गया। और यहां पे एड्रेस डाल देंगे जो भी एड्रेस हो, ये डाल दिया, एंटर प्रेस किया। यहां पर आ जाएगा परचेज अकाउंट का लेजर, तो यहां लिखता हूं मैं परचेज अकाउंट, ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट में, तो यहां से परचेज अकाउंट कर लेंगे इसको, एंटर प्रेस किया और यहां पर ये हो गया। अब यहां पर वो सारे आइटम्स की लिस्ट हमें बनानी होगी दोबारा से, ठीक है। पहली बार जब हमने लिस्टिंग की थी तो वो सारी डिटेल जो है होलसेलर के पास है, हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। इस बार हमें यहां पर वो सारी लिस्ट बनानी होगी। हम अगर यहां से किसी स्टॉक आइटम को जैसे कि जावा या अदर चीज यहां से देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पे वो हमें नहीं दिखेंगी, ठीक है। हमें यहां पे अलग से लिस्ट बनानी होगी, तो क्या क्या हम खरीदना चाहते हैं वो सारी लिस्टिंग यहां पे करनी होगी। तो यहां लिखता हूं मैं जावा बुक्स और यहां पे यूनिट बना लेंगे पीस कर देता हूं मैं, PIECE पीस, और यहां पे पी प्रेस करूंगा तो यहां पे पीस पैकेट आ जाएगा, तो यहां पे पैक्स कर लेते हैं या पीस कर लेते हैं, यहां पे एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अलग से जीएसटी लगाना चाहे तो यहां से दे सकते हैं, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं, 50 और एक की कीमत है 780 रुपये, डिस्काउंट दे रहे हैं, यस 0.1% का डिस्काउंट है। फिर यहां पे दूसरा पाइथन बुक, यहां पर प्राइमरी रखेंगे, यहां पे पीसेज ही कर लेता हूं मैं, और यहां पे अगर अलग से जीएसटी देना चाहे तो यहां वाई प्रेस करके अलग से जीएसटी दे सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं पाइथन, एंटर प्रेस करता हूं, एचएसएन कोड जो भी इसका हो वो डाल दीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिए। ऑन वैल्यू रखिए, यहां पे टैक्सेबल रखिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट जो लगाया था हमने, जो आपको बताया था, तो यहाँ 12% या 5%, तो 5% का टैक्स रेट रख लेते हैं, तो 2.5% के हिसाब से ये डिवाइड हो जाएगा। फिर से हम स्टॉक आइटम बना रहे हैं, ये दूसरी क्रिएटर पार्टी है, तो यहां पर इसके लिए अलग से स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करना होगा, ठीक है। यहां पे 80
और यहां पर जो प्राइस है उसकी 900 रुपए वो डाल देता हूं, ठीक है। यहां पर पॉइंट जो भी हो आपका डिस्काउंट या प्राइस वो लगा दीजिए। अब यहां पर मान लीजिए कि दो ही बुक्स परचेस करने हो तो यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी आपको लगाना होगा। लेजर तो हमारे पास है नहीं, और हमने जीएसटी भी इनेबल किया है या नहीं, जीएसटी भी इनेबल नहीं किया है, ठीक है। तो जीएसटी इनेबल करने के लिए चलते हैं, यहां से पहले जीएसटी इनेबल कर लेते हैं। तो F11 की प्रेस कीजिए और यहां से आ जाइए स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे, एंटर प्रेस कीजिए। यही वो कंपनी है जिसमें हमें जीएसटी इनेबल करनी है, तो यहां से ऊपर आएंगे, यहां पे वाई प्रेस करेंगे, ये देख सकते हैं आप, एंटर प्रेस कीजिए। रेगुलर हम जीएसटी फाइल करेंगे, यहां पे जीएसटी आईएन नंबर जो भी हो वो डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इसको वेरीफाई करेगा टैली, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पे एन प्रेस कीजिए और यहां पर वाई प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और यहां पे जो डिस्क्रिप्शन है वो डाल दीजिए। जो भी इसका एचएसएन कोड है वो डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर एंटर प्रेस कीजिए और अब यहां पर वो टैक्स रेट 12% का या जो भी हो वो डाल दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट ना अप्लाई हो, तो मैंने आपको बताया था वहां पर स्टॉक आइटम बनाते वक्त ही आप टैक्स रेट सेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल ए प्रेस कर लेता हूं। अब यहां पर कुछ स्टॉक आइटम हमने पहले से बनाए हुए हैं, ठीक है, और यहां पर आकर के परचेस वाउचर में 901 नंबर का बिल हमारा, और यहां पर सूरज यादव जो क्रिएटर पार्टी है उसका नाम, यहां पर एड्रेस आ जाएगा। मैं सेम एड्रेस यूज कर रहा हूं, आप सेपरेट एड्रेस भी यूज कर सकते हैं। और यहां पे परचेज अकाउंट का लेजर, अब देखिए यहां पर हमने पाइथन के बुक की स्टॉक आइटम यहां पे हम क्रिएट कर चुके हैं और इसमें हम 70 बुक और परचेज कर रहे हैं, और एक के रेट थोड़ी इसमें महंगी, यहां पे 1050 रुपए की एक बुक, डिस्काउंट इस पे 0.10% का डिस्काउंट, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। अब यहां पर नेक्स्ट जो स्टॉक आइटम है वो ले लेते हैं, तो जावा की बुक थी, तो जावा की बुक दोबारा से हम परचेस कर रहे हैं और इस बार हम 100 पीसेस इसके परचेस कर रहे हैं, और एक बुक की कीमत जो है इस बार हमको 780 रुपए पड़ रही है, और यहां पर 0.70% का डिस्काउंट है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए यही दो बुक हमें परचेस करनी हो तो यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी भी तो लगाना होगा, तो यहां पर अलग से आपको सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करना होगा। तो सीजीएसटी ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहां पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इसको डाल दीजिए, डाल दिया, यहां पे जीएसटी रखिए, ठीक है, और यहां पे सेंट्रल टैक्स रहेगा, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पे नॉर्मल राउंडिंग कर देता हूं मैं, एंटर प्रेस करता हूं और यहां पर इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहां पे देख सकते हैं सीजीएसटी आ चुका है। अब एसजीएसटी की बात करते हैं, तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, एसजीएसटी ये लगा दिया। यहां पर नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए, राउंडिंग लिमिट 3 कर देता हूं, एंटरप्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट करता हूं, तो यहां पे भी जीएसटी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एक्सेप्ट करिए इसे, न्यू रेफरेंस एक्सेप्ट कर लेता हूं इसे, ये एक्सेप्ट कर लिया हमने, यानी दो क्रिएटर पार्टियों का लेजर हमने क्रिएट किया। अब डेटर पार्टी की बात करेंगे, किताबें हमने परचेस कर ली, ठीक है, अब हमको उन्हें सेल करना है, तो सूरज यादव उसको सेल करेंगे, ठीक है। क्रिएटर पार्टी कौन है, सूरज यादव है और एक होलसेलर पार्टी है, ठीक है, ये दो क्रिएटर पार्टियां हैं, ठीक है। अब इसको कैसे हम सेल करेंगे वो देखते हैं। यहां से हम सेल्स वाउचर में आ जाते हैं, आ गए, यहां पे रेफरेंस नंबर दे दिया, और यहां पर अब सूरज यादव जो है क्रिएटर पार्टी है, लेकिन अब इस बार डेटर पार्टी का लेजर आएगा कीजिए। अब यहां पर तमाम डेटर पार्टियों का लेजर बनाएंगे हम, ठीक है। यहां पर लिखता हूं महेश, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, और यहां पर सन्ड्री डेटर, तो डेटर पार्टी का लेजर ही चूज करिएगा आप, और कोई लेजर मत चूज कीजिएगा। एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, और एंटरप्रेस करते हुए यहां पर इनका एड्रेस आएगा, जो भी इनका एड्रेस है, तो एड्रेस मैं सेम ही रख रहा हूं अभी। ये लेजर्स हमने बना लिए हैं, हो गया। यहां पर सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा, तो यहां पर लिख दीजिए आप सेल्स अकाउंट, ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पे एस प्रेस कीजिए, सेल्स अकाउंट आ जाएगा, ये सेल्स अकाउंट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। जीएसटी
यहां पर गुड्स रख देता हूं, इंटरफेस करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। अब यहां पर जो चीजें सेल करनी है उसका पूरा डिटेल हम यहां पे देंगे, ठीक है। तो सेल करते वक्त कैसे सेल करेंगे आइए चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम जिस भी कंपनी में हैं, अभी हम कौन से कंपनी में हैं वो भी दिखा देता हूं, ये देख लीजिए अभी हम सूरज यादव स्टोर वाली कंपनी में हैं, ठीक है, क्लियर है। ये भी क्रेडिटर पार्टी है, डेटर पार्टी कौन सी है, अभी जो हमने महेश नाम का जो लेजर बनाया वही संडी डेटर पार्टी है, ठीक है। सेल्स वाउचर में आ गए, 890 नंबर का ये रेफरेंस नंबर हमने डाल दिया, यहां पर डेटर पार्टी का लेजर आएगा, लेकिन डेटर पार्टी का लेजर तो हमने क्रिएट ही नहीं किया। तो यहां पर ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहां पर रितेश कर लेता हूं, ये डेटर पार्टी है। तो यहां पर अब डेटर पार्टी का लेजर, तो ये यहां पे सन्ड्री डेटर हमें चूज करना होगा, तो ये सन्ड्री डेटर चूज करेंगे, ये मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस रखना है आपको, एड्रेस डाल सकते हैं। यहां पे सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा, एस प्रेस करेंगे यहां पे सेल्स अकाउंट आ जाएगा, और यहां पे सेल्स अकाउंट रख करके और एंटर प्रेस करके और यहां से गुड्स रख देंगे, एंटर प्रेस करेंगे ये हो गया। यहां पे स्टॉक आइटम हम ले लेंगे जो भी हमें सेल करना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए एडवांस एक्सेल की बुक है, तो एडवांस एक्सेल की 20 बुक हम सेल करेंगे, तो यहां पे 20 लिखा और एक बुक की कीमत हम रखेंगे 1500 रुपए, ठीक है। तो 1500 रुपए रख दिया, और इस पर कुछ डिस्काउंट भी देना चाहेंगे तो यहां पे 0.10% का डिस्काउंट भी दे देते हैं, एंटर प्रेस किया। अब दूसरी बुक जो पाइथन की बुक है वो भी ले लेते हैं, 120 आइटम है, 100 आइटम हम सेल करेंगे, तो यहां पे 100 आइटम हम सेल कर रहे हैं और एक बुक की कीमत हम 1700 रुपए रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और यहां पर कुछ डिस्काउंट 0.20% का डिस्काउंट दे देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट यानी कि और भी कोई बुक हमारे पास होगी तो उसको भी हम सेल करेंगे, ठीक है। जैसे कि लिब्रा कैल्क की बुक है या .NET की बुक है या सी लैंग्वेज की बुक है, तो कोई भी एक बुक ले लेते हैं हम, और यहां पर इसकी 12 बुक हम सेल कर रहे हैं और एक बुक की कीमत हम लगा रहे हैं 1350 रुपए, ठीक है। और यहां पर कुछ डिस्काउंट अगर देना चाहेंगे तो वो दे सकते हैं, 0.10% का डिस्काउंट हम दे देते हैं। फिर यहां पर सी लैंग्वेज की बुक जो है वो हम सेल कर चुके हैं, अब C++ की बुक सेल करेंगे, 120 आइटम हमारे पास मौजूद है, 100 आइटम हम सेल कर देते हैं, तो एक बुक की कीमत इस बार हम रखेंगे 1600 रुपए, एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर डिस्काउंट 0.20% दे दिया हमने, एंटर प्रेस किया। तो ये सारी बुक्स सेल करना है हम, ठीक है। और इसका जो पेमेंट हम रिसीव करेंगे वो रिसीव वाउचर में जाकर रिसीव करेंगे, ठीक है ना। यहां से हम CGST SGST लगा सकते हैं, तो आपको लेजर एक बार आपने क्रिएट कर लिया परचेज में सेम कंपनी में तो दोबारा लेजर बनाने की जरूरत नहीं, यहां पे लगा दिया आपने CGST, अब यहां पे SGST लगा दीजिए, तो ये लगा दिया हमने SGST। अगर आपको टैक्स एनालिसिस देखने की इच्छा है तो अल्ट के साथ ए प्रेस कीजिए, पूरा का पूरा टैक्स एनालिसिस आपको दिख जाएगा। यहां पे देख सकते हैं जिन जिन चीजों पर टैक्स लगा हुआ है, जिन जिन बुक्स पे, ठीक है, अलग अलग GST लगा हुआ है, ठीक है, वो सारा अमाउंट यहां पे शो हो रहा है, ठीक है। कितना टैक्सेबल वैल्यू है वो टोटल वैल्यू भी एज पर कैलकुलेशन नीचे शो कर रहा है, 57,258 रुपए और 84 पैसे, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट कराने की बारी है, तो इसमें यहां पे एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, ये न्यू रेफरेंस रखिए और एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। ये हो गई सेल्स वाउचर में एंट्री पूरी, ठीक है। यहां पर ये आपको बताना जरूरी है कि जो डेटर पार्टी है ये बिल जो है उसको मिलेगा, कौन सा बिल मिलेगा वो दिखा देता हूं, ठीक है। ये जो बिल है ये सामानों की लिस्ट का बिल है, ये डेटर पार्टी को आप दे सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट करेगा डेटर पार्टी उसको कैसे बिल देंगे, वो बिल कैसे देंगे आप, उसके लिए आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्रेडिट आ रहा है, तो यहां पर क्रेडिट किसे करेंगे, रितेश पेमेंट करेंगे, ठीक है,
तो रितेश के ऊपर देखिए शो हो रहा है बैलेंस 4,50,235 रुपए 30 पैसे, तो 4,50,235 रुपए और 30 पैसे यहां पर इन्होंने दे दिए। अब यहां पे अगेंस्ट रेफरेंस पे अपने आप आ जाएगा, कर्सर एंटर प्रेस कीजिए और यहां पर एंटर प्रेस करके और इसको ले लीजिए, ले लिया। यहां पर पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, पेमेंट का मोड क्या होगा आपके, आप बैंक से पेमेंट करेंगे, कैश से पेमेंट करेंगे, कैसे करेंगे आप देख लीजिए। CASH, अगर आपके डेटर पार्टी का बैंक अकाउंट है तो आप बैंक अकाउंट से भी पेमेंट ले सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये हो गया पेमेंट पूरा। अगर अब आप इस पार्टी का यहाँ पे नाम डालते हैं तो यहाँ पर बैलेंस जीरो से होगा, ये देख सकते हैं बैलेंस जीरो से हो रहा है, यानी पेमेंट इन्होंने हमने रिसीव कर लिया, तो ये ब्रेन गेम में हो गया। ठीक है, अब सूरज यादव वाली कंपनी में चलते हैं, यहां पर एंट्री हम कैसे करेंगे सेल्स वाउचर में, वो देख लेते हैं। आगे सेल्स वाउचर में यहां पर इनवॉइस नंबर जो रेफरेंस नंबर है वो डाल दिया। अब यहां पर दो पार्टीज हमारे पास हैं, एक सूरज यादव और दूसरा महेश, तो हमारी जो डेटर पार्टी है वो कौन सी है, यहां से अल्ट के साथ सी प्रेस करके डेटर पार्टी का लेजर भी बना सकते हैं। यहां पे दुर्गेश लिख दिया हमने, ये हमारी डेटर पार्टी है, तो संडी डेटर यहां पे कर लेते हैं। अगर डेटर पार्टी मौजूद है तो आप उसी का लेजर लगा सकते हैं। मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस रखिए, एंटर प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कराइए इसे, स्टेट डालना कंपलसरी। यहां पे सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा, आ गया। अब यहां पर वो तमाम चीजें आप सेल करेंगे जो आपके पास मौजूद हैं, जैसे पाइथन की 70 बुक मौजूद हैं, 70 में से 69 बुक हम सेल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 69 लिखा हमने, एंटर प्रेस किया, और रेट क्या डालेंगे, रेट हम डालेंगे 2000 रुपए के हिसाब से हम सेल करेंगे एक बुक, और इस पे 0.10% का डिस्काउंट लगा दिया, एंटर प्रेस किया। अब कोई और भी बुक हमारे पास होगी, जैसे जावा बुक है, 100 पीसेज मौजूद है, इसके 98 पीसेज हम सेल कर दे रहे हैं और एक बुक की कीमत रख रहे हैं 1800 रुपए, इसके हिसाब से हमने इसे सेल कर दिया, 0.10% का डिस्काउंट भी लगा दिया, तो ये हो गया। अब यहाँ पर CGST SGST का लेजर आ जाएगा, पहले से बना रखा है हमने, यहाँ पे SGST आ जाएगा, तो ये SGST लगा दीजिए। अगर डिफरेंट स्टेट की बात होगी तो IGST लगाएंगे, इंटरफेस किया, इंटरफेस किया, यहाँ न्यू रेफरेंस रखेंगे, इंटरफेस करेंगे और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ये करा लिया। ठीक है, आपको अलग अलग कंपनियों में ले जा करके अलग अलग तरीके से कैसे हम काम करेंगे वो दिखा रहा हूँ। अब यहां पर चलना है पेमेंट वाउचर में। ठीक है, क्योंकि हम परचेज में काम कर रहे थे, सेल्स में काम कर रहे थे, तो हमें अब चलना है रिसीव वाउचर में, पैसा हम रिसीव करेंगे। जो डेटर पार्टी है वो कौन सी थी, दुर्गेश, तो ये डेटर पार्टी ले लिया हमने। यहां पे बैलेंस हो रहा है 3,51,776 रुपए, तो 3,51,776 रुपए और 74 पैसे ये हमने पूरे ले लिए इनसे। अगेंस्ट रेफरेंस यहां आ जाएगा, पहले से पेंडिंग बिल शो होगा, एंटरप्रेस कीजिए और यहां कैश कर दीजिए, कैश कर दिया, एंटरप्रेस किया, ये हो गया। इस तरह से हम एंट्री कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी।